दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे अपनी पत्नी के साथ पहली बार होटल में खाना खाने। जी हां, दिनेश लाल यादव निरहुआ और इन मोहतरमा की फोटो जब से मीडिया में आई है वायरल हो गई है। लोग इन्हें भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी बता रहे हैं। लेकिन ये क्या भाई, आम्रपाली को छोड़कर जब भी निरहुआ किसी भी लेडी के साथ दिखते हैं, लोग उन्हें उनकी पत्नी बना देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी तो सच्चाई जान लेनी चाहिए कि ये दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी नहीं बल्कि भोजपुरी की अपकमिंग हीरोइन प्रियंका सिंह है। जी हाँ, प्रियंका सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ साथ ही अनिल यादव एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी होटल में मिले और वहीं पर दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ प्रियंका सिंह ने एक फोटो खिंचवा ली और ये फोटो जैसे ही मीडिया में आई, लोग इन मोहतरमा को भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी बताने लगे। बल्कि सच्चाई ये है कि ये मोहतरमा हो सकता है दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगली फिल्म की हीरोइन हो। वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ आजकल राजमहल के भी चक्कर खूब काट रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि राजमहल के चक्कर क्यों काट रहे हैं? भाई आपको तो पता ही है कि फिल्म राजमहल में आम्रपाली दुबे के साथ साथ अमरीश सिंह बड़े पर्दे पर रुपहले पर्दे पर अपनी जोड़ी चमकाते हुए नजर आएंगे। राजमहल एक ऐसी मूवी है जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली के साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन आजकल दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली के फिल्म राजमहल के सेट पर लगातार देखे जा सकते हैं। वैसे ऐसा तब भी होता है जब आम्रपाली दुबे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ किसी फिल्म में नहीं होती है, वो भी उनके सेट पर उन्हें कंपनी देने जरूर पहुंच जाते हैं। और यहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली को कंपनी देने पहुंच गए हैं। वैसे भी आम्रपाली को दिनेश लाल यादव निरहुआ की कंपनी बहुत ही राज भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।